भाई राम राम सारे भाइयों ने। भाई स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। नए दिन की शुरुआत हो गई है, आज है सैटरडे, तो भाई सैटरडे की रहती है छुट्टी। और मैं थोड़ा आज लेट उठा, आज कहीं जाने का प्लान नहीं था, थोड़ा लेट वेट, मैंने कहा आज थोड़ा चैन से सो लेंगे, इस चक्कर में मैं अभी उठा। तो भाई आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे एमसी के बारे में। मतलब सिंगापुर में जैसे ही आप आओगे ना, तो आप लोगों से सुना होगा, अरे यार वो एमसी पे है, ये एमसी पे है, आज मैनेजर एमसी पे है, आज कलीग एमसी पे है। तो साला ये एमसी है क्या, और एमसी क्या होती है, और एक साल में कितनी एमसी मिलती है, तो आज इसी बारे में बात करेंगे। आओ पहले मिलके चाय बना लेते हैं, फिर बताते हैं आपको एमसी के बारे में। तो भाई जितने हमारी यहाँ चाय तैयार हो रही है, इतने हम थोड़ी एमसी की बात कर लेते हैं, वीसी के साथ एमसी भी कर लेते हैं। तो भाई अब बताते हैं कि यार ई एम सी है क्या। एक्चुअली एम सी का मतलब है सिंगापुर में कि जैसे आप यहाँ किसी कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, और कंपनी में आके आप लोग ज्वाइन करने के बाद आपको एक साल में कुछ छुट्टियाँ मिलती हैं। तो उन छुट्टियों की कैटेगरी होती है, जैसे इंडिया में भी होती है कि भाई मेडिकल लीव हो गई, एनुअल लीव हो गई, और ऐसे सिक लीव हो गई, ये सब ऐसे मिलती हैं। तो सिंगापुर में जो तुम्हें मेडिकल लीव या सिक लीव जो होती है ना, उसको आप ये बोलते हैं कि यहाँ पे बोलते तो मेडिकल लीव ही है, लेकिन अगर वो मेडिकल लीव आप सपोज आप ऑफिस जाना चाह रहे हो और आपके हो रहा सर में दर्द, यार मेरा आज मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का, आज मैं नहीं जा सकता, मेरी तबीयत खराब है, तो उसके लिए आप फिर आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। ठीक है, वो डॉक्टर आपको सर्टिफिकेट बना के देगा, डॉक्टर आपको सर्टिफिकेट मतलब आपको डॉक्टर देखेगा, फिर कह देगा ओके यार तुम सच में बीमार हो आज, और आप मतलब आज आप छुट ऑफिस नहीं जा सकते, तो आपको एक लेटर दे देगा, मेडिकल सर्टिफिकेट दे देगा आपको, मेडिकल सर्टिफिकेट एमसी एमसी दे देगा आपको कि भाई आप ठीक है, यू आर सर्टिफाइड दैट यू आर अनफिट फॉर द ड्यूटी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो भाई ये है एमसी का चक्कर। तो यूजुअली जब आप यहाँ सिंगापुर में जॉब करने आते हो, तो एक साल में जो एमसी एम्प्लॉयर्स देते हैं, वो अराउंड 14 एमसी देते हैं, 14 एमसी एक साल में मिलती हैं, और वो आप कभी भी ले सकते हो। आप अगर प्रोबेशन पीरियड में हो तो भी आप एमसी ले सकते हो, और अगर आप नोटिस पीरियड में हो तो भी आप एमसी ले सकते हो, यानी छुट्टियां आप अपनी मेडिकल लीव ले सकते हो। बिना डॉक्टर के सर्टिफिकेट के, बिना एमसी लिए आप, आपका वो मैनुअल लीव में से डिडक्शन, मेडिकल लीव में से डिडक्शन नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके सर में दर्द है, पेट में दर्द है, बुखार है, उल्टी दस्त है, कुछ भी है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर लिख के देगा, तभी आपका मेडिकल लीव या सिक लीव मान्य होगी, नहीं तो फिर वो आपकी एनुअल लीव में से कट जाएगी। इसलिए आप को इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप बीमार हो तो भाई आप डॉक्टर के पास जाओ, नियरेस्ट डॉक्टर देखो, आपका कोई इंश्योरेंस होगा जो एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस दिया होगा, उसके पैनल में कौन कौन सा डॉक्टर आता है, वहाँ पे जाएं और दवाई वगैरह लें वहाँ से, और दवाई लेने के बाद में आराम से अपना एमसी घर पे आराम से रेस्ट करें। मैं ऐसे क्यों बोलूँगा एंजॉय करें, रेस्ट करें भाई, बीमार हो रेस्ट करो। तो कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि यार आप मतलब टायर्ड हो, थके हुए, और आपका बॉडी मतलब ऐसा मन नहीं कर रहा कि यार मैं तो आज मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का, मेरा मतलब आई एम नॉट फीलिंग फोकस्ड एंड नॉट फीलिंग वेल, उस केस में भी आप डॉक्टर के पास जा कर कह सकते हो कि डॉक्टर साहब मेरी थोड़ी तबीयत सी ख़राब है, हरारत सी है बॉडी में, और मेरे को आज मतलब, तो फिर वो दवाई दे देगा, फिर कहेगा, फिर डॉक्टर खुद ही पूछ लेगा आपसे कि क्या आपको एमसी चाहिए, तो आप कह सकते हैं हाँ भाई एमसी चाहिए, क्योंकि भाई आपका थोड़ा तबीयत ख़राब है, बिकॉज़ आप थोड़ा ढीले ढीले से लग रहे हो, बॉडी में हरारत है। तो डॉक्टर खुद ही एमसी दे देगा, भाई ये देख लो अमूल का दूध मिलता है सिंगापुर में, ये अमूल का दूध है, और इस पर ये लाया मैं डेढ़ डॉलर का, मतलब हो गया ऑलमोस्ट 95 रुपीज़ के आसपास हो गया, और इसको डायरेक्ट भी पी सकते हैं, इसमें लिख रहा हुआ है कि देखो डायरेक्ट पी सकते हैं, बॉयल करने की भी ज़रूरत नहीं है, और इंडिया में इसका रेट है 74 रुपीज़, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर रेट भी इंडिया का, बिकॉज इम्पोर्टेड माल है, तो रुपीज़ लिखा हुआ है 74 रुपीज़ लिखा हुआ है, और ये पैक हुआ था 13 जून 2024 को, और ये एक्सपायर होगा 10 दिसंबर 2024 को, यानी ऑलमोस्ट 6 महीने के आसपास ये दूध ये चलता है। ये दूध अगर आपको लेना, यूजुअली जैसे लाइक अगर आप एक ऐसा 1 टेट्रा पैक लेते हैं,
तो एक जो टेट्रा पैक की जो कीमत होती है वो कीमत होती है करीबन $2.50 के आसपास की का आपको एक पैकेट ऐसा पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ दुकानें हैं, जैसे ये दुकान में मेरे को एक दुकान मिल गई, यहाँ पे मिलता है $1.50 का। द ओनली प्रॉब्लम कि $1.50 में क्या है कि पैक तो पूरा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ना ये इसको काट के, मतलब इसमें ओपन वाला ढक्कन नहीं मिल रहा, तो ये काट के ना फिर इसमें सर्व करना पड़ता है, बस इतना ही डिफरेंस है, $1 बच रहा है इसमें। और अगर आपको और बचाना है, और भी अच्छा आपको लेना है, ढक्कन वाला लेना है, तो उसके लिए आप जाइए मुस्तफ़ा, लिटिल इंडिया में जाए, मुस्तफ़ा में जाए और पूरा कार्टन ले लीजिए $20 का। $20 के आस सॉरी 20 लीटर दूध आता है और उसकी कॉस्ट मेरे हिसाब से 18 20 या 20 या 22 डॉलर ऐसे आती है, यानी ऑलमोस्ट 1 से 1.25 डॉलर आपकी कॉस्ट पड़ जाएगी 1 लीटर दूध पे। तो आप उसको स्टॉक कर लीजिए, खराब होता नहीं है, अपना चलता रहेगा मस्त। ये है, बड़े लोग तो इसको पी सकते हैं, बच्चों को पिलाने के लिए एक अलग से फ्रेश आता है, फ्रेश नहीं आता वो भी एक्चुअली 4 5 दिन पहले पैक हुआ होता है, तो वो ले सकते हैं। वैसे मैंने रिसर्च करा कि टेट्रा पैक और वो जो फ्रेश आता है दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस रहता नहीं है, तो आपकी चॉइस है, आपकी कॉल है, आप कैसी करना चाहेंगे। तो भाई स्वागत है भाई, दोबारा से शुरू करते हैं अपना पुराना टॉपिक। तो भाई जितनी भी मैंने सारी बातें बताई, ये तो बातें हो गई एमसी की, ठीक है, कि भाई एमसी यानी मेडिकल लीव कैसे मिलेगी, आपको डॉक्टर के पास जाना है, सर्टिफिकेट दिख लेना है और एम्प्लॉयर को बोलना है कि आई एम सिक एंड आई एम नॉट कमिंग ऑफिस टुडे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भाई एनुअल लीव्स की, मतलब कितनी एनुअल लीव्स मिलती हैं। तो भाई यूजुअली ज़्यादातर कंपनियों में मिलती हैं एनुअल लीव्स अराउंड 14 तो मिल ही जाती है, मतलब ज़्यादातर कंपनियों में ऑन एन एवरेज कि साल की 14 छुट्टियां तुम्हें मिलेंगी एनुअल लीव्स, छुट्टी लेने के लिए, घर वर जाने के लिए, इंडिया चले गए, अपने देश चले गए या जो भी है, तो वो रहेगी एनुअल लीव। और वो जो होती हैं वो होती हैं अर्न लीव्स, मीनिंग अर्न लीव्स मतलब आपके हर महीने ऐड होती है, कुछ कंपनी एक साथ ही दे देती हैं सारी छुट्टियाँ जनवरी में, मेरी कंपनी में अर्न लीव्स होती हैं, हर महीने धीरे धीरे ऐड होती रहती हैं। तो यूजुअली जो एनुअल लीव्स होती हैं वो मैं मतलब यूज़ करता हूँ, जैसे मैं इंडिया जाता हूँ तो मैं सारी एनुअल लीव एक साथ मतलब ले लेता हूँ, जैसे हफ्ते में साल में 3 बार 4 बार ऐसे चलता है। एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना भाई, एनुअल लीव्स के साथ में मतलब जैसे आपकी जो मेडिकल लीव्स हैं और आपकी जो एनुअल लीव्स हैं, तो उन दोनों को मतलब मिक्स मत करना, कि मतलब ऐसे मत करना कि आप जैसे नेक्स्ट वीक तो आप इंडिया जा रहे हो और थर्सडे फ्राइडे का मैं सिक लीव ले लेता हूँ, वो मतलब ले ले हुए, लेकिन यार लेने के बाद में एम्प्लॉयर को सब पता रहता है कि भाई एनुअल लीव पे जा रहा है, 2 दिन पहले एमसी मार दी, 2 दिन पहले चला गया वो, तो उससे आपका इंप्रेशन ख़राब होएगा आपकी नौकरी में, तो ऐसे मत करना। मेडिकल लीव बेसिकली सिंगापुर में लेने के लिए ही होती है, कि आपको यहीं के डॉक्टर से लिखवा के जाना पड़ेगा और यहीं का डॉक्टर की मेडिकल सर्टिफिकेट एलिजिबल होती है, ऐसा नहीं कि आप इंडिया चले गए और वहाँ से मेडिकल लीव लगा दे रहे हो उस। तो भाई मैं जा रहा हूँ अपनी साइकिल पे ऑफिस, मतलब मेट्रो स्टेशन तक ही जा रहा हूँ, कभी कभी मैं साइकिल से ऑफिस भी चला जाता हूँ, 6 7 किलोमीटर पड़ता है, आधे घंटे में पहुँच जाता हूँ, बट आज मेरा मूड नहीं है इसलिए मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन, वो सामने मेट्रो स्टेशन है, और ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए भाई छुट्टियों की महिमा बड़ी न्यारी है भाई, सिंगापुर में छुट्टी बहुत कम मिलती है। मैं देख रहा हूँ दोस्तों मेट्रो में जाने के लिए लाइन लग रही है यार, यहाँ पे लाइन लगानी पड़ रही है मेट्रो के अंदर जाने के लिए। भाई मेट्रो स्टेशन में एंट्री हो रही है लाइन लगा के, मतलब क्यू लगा के एंट्री हो रही है। भाई बाकी मेडिकल लीव हो गई, एनुअल लीव हो गई, उसके बाद में हमारी अगली तो ऐसी कोई खास लीव आती नहीं है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताऊं, लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर है कि जैसे जो मेरी जैसे आप बीमार हो और आप हॉस्पिटल में एडमिट अगर आपको होना पड़े तो उसकी लीव थोड़ी कुछ अलग होती है, कि साल में 60 लीव ऐसे हॉस्पिटलाइजेशन लीव मिल जाती हैं, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता होगा, मेरी कंपनी में मिलती हैं और बाकी का मुझे आइडिया नहीं है, पर हॉस्पिटलाइजेशन लीव्स होती हैं। तो भाई
सैटरडे से शुरू करा था, मंडे आ गया, सॉरी अब अगला फ्राइडे आ गया। अब मैं पहुंच गया ऑफिस और ख़त्म करते हैं भाई इस ब्लॉग को यहीं पे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, बहुत ज़रूरी है शेयर करना। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।